हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड। वन वर्ड यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो हिंदी में बोलते हैं। तो ये आपको जहाँ भी इंग्लिश आपकी आती है किसी भी एग्जाम में तो वहाँ पर ज़रूर आते हैं। और आज हमारे जो वन वर्ड होंगे वो होंगे फियर यानी डर। किसी चीज़ से जब डर होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? तो हमारा फर्स्ट वर्ड आता है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हाई प्लेस, ऊंचे स्थान से डर लगना, उसे क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। हमारा सेकंड वर्ड आता है एग्लोफोबिया। एग्लोफोबिया होता है फियर ऑफ पेन यानी दर्द से डर, दर्द होने से जिसे डर लगता है उसे क्या बोलते हैं? एग्लोफोबिया। तीसरा हमारा वर्ड आता है एगोरोफोबिया। एगोरोफोबिया फियर ऑफ पब्लिक या ओपन प्लेस यानी भीड़ भाड़ से डर, खुले स्थान से डर, एगोरोफोबिया। अगला वर्ड आता है हमारा एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया होता है फियर ऑफ मेल्स, मेल से डर को क्या बोलते हैं? एंड्रोफोबिया। ऑटोफोबिया, ऑटोफोबिया होता है फियर ऑफ सॉलिट्यूड यानी अकेलेपन से डर, जिसे बोलते हैं ऑटोफोबिया। इसे हम ऑटोबायोग्राफी से भी याद कर सकते हैं कि ऑटो मीन्स क्या होता है? अकेलापन, स्वयं अपने आप से, अकेलेपन से डर। फिर है पैथोफोबिया। पैथोफोबिया होता है फियर ऑफ डेप्थ यानी गहराई से डर, डेप्थ से यानी गहराई से डर, क्या होता है? पैथोफोबिया। नेक्स्ट होता है बिब्लोफोबिया। बिब्लोफोबिया बुक्स, फियर ऑफ बुक्स, किताबों से डर, क्या होता है? बिब्लोफोबिया। केकोफोबिया फियर ऑफ अग्लीनेस यानी कुरूपता से डर, क्या होता है? केकोफोबिया। कार्टोफोबिया फियर ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर से डर, कार्टोफोबिया। सेलोफोबिया, सेलोफोबिया होता है एक्सट्रीम फियर अबाउट ब्यूटी यानी सुंदरता के बारे में डर। और लास्ट आज का हमारा वर्ड आता है क्रोनोफोबिया। क्रोनोफोबिया यानी फियर ऑफ टाइम, समय से डर। तो इस वीडियो को आप अगर एक से दो बार सुन लेंगे तो आपको ये वन वर्ड बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और इसी के साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे के वन वर्ड अगली वीडियो में।